ओम शांति। 30 सितंबर 2020 की बाबा की महावाक्य। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, सबसे पहले पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह कैसे उतरे। सुई पर जब तक कट माना जंक होगी तब तक चुंबक खींच नहीं सकता। प्रश्न है, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर है, कर्मातीत बनने का। कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि न जाए, अर्थात कर्म बंधन अपने तरफ न खींचे। सारा कनेक्शन एक बाप से रहे, कोई से भी दिल लगी हुई न हो, ऐसा पुरुषार्थ करो। झरमुई जगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, याद में रहने का अभ्यास करो। गीत है, जाग सजनिया जाग। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बच्चों माना आत्माओं ने शरीर द्वारा गीत सुना, क्योंकि बाप अभी बच्चों को आत्माभिमानी बना रहे हैं। तुमको आत्मा का भी ज्ञान मिलता है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का सही ज्ञान हो, तो फिर परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता? यह बाप ही बैठ समझाते हैं। समझाना शरीर के साथ ही है। शरीर बिगड़ तो आत्मा कुछ कर नहीं सकती। आत्मा जानती है हम कहाँ के निवासी हैं, किसके बच्चे हैं। अभी तुम यथार्थ रीति जानते हो। सब एक्टर्स पाठधारी हैं। भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं कब आती है यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप डिटेल नहीं समझाते हैं, मुट्टा माना होलसेल समझाते हैं। होलसेल अर्थात एक सेकंड में ऐसी समझानी देते हैं जो सतयुग आदि से लेकर अंत तक मालूम पड़ जाता है कि कैसे हमारा पाठ नुदा हुआ है। अभी तुम जानते हो बाप कौन है, उनका इस ड्रामा के अंदर क्या पाठ है। यह भी जानते हैं ऊंचे ते ऊंच बाप है, सर्व का सदगति दाता, दो करता सो करता है। शिव जयंती गाई हुई है, जरूर कहेंगे शिव जयंती सबसे ऊंच है। खास भारत में ही जयंती मनाते हैं। जिस चीज़ की राजाई में जिस ऊंच पुरुष के पास्ट की हिस्ट्री अच्छी होती है तो उनकी स्टाम्प भी बनाते हैं। अब शिव की जयंती भी मनाते हैं। समझाना चाहिए सबसे ऊंच जयंती किसकी हुई, किसकी स्टाम्प बनानी चाहिए। कोई साधु संत अथवा सिखों का, मुसलमानों का व अंग्रेज़ों का कोई फिलोसोफर अच्छा होगा तो उनकी स्टाम्प बनाते रहते हैं, जैसे राणा प्रताप आदि की भी बनाते हैं। और वास्तव में स्टाम्प होनी चाहिए बाप की, जो सबका सदगति दाता है। इस समय बाप न आए तो सदगति कैसे हो सकेंगे, कैसे हो? क्योंकि सब रौरव नरक में गोता खा रहे हैं। सबसे ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, पतित पावन। मंदिर भी शिव के बहुत ऊंचे स्थान पर बनाते हैं, क्योंकि ऊंचे ते ऊंच है ना। बाप ही आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जब वह आते हैं तब सदगति करते हैं, तो उस बाप की ही याद रहनी चाहिए। स्टाम्प भी शिव बाबा की कैसे बनाएं? भक्ति मार्ग में तो शिवलिंग बनाते हैं, वही ऊंचते ऊंच आत्मा ठहरे। ऊंचते ऊंच मंदिर भी शिव का ही मानेंगे। सोमनाथ शिव का मंदिर है ना। भारतवासी तमोप्रधान होने कारण यह भी नहीं जानते कि शिव कौन है जिसकी पूजा करते हैं, उसका ऑक्यूपेशन तो जानते नहीं। राणा प्रताप ने भी लड़ाई की, बहुत तो हिंसा हो गई। इस समय तो सब है डबल हिंसक। विकार में जाना, काम कटारी चलाना, यह भी हिंसा है ना। डबल अहिंसक तो यह लक्ष्मी नारायण है। मनुष्य को जब पूरा ज्ञान हो तब अर्थ सहित स्टाम्प निकले। सतयुग में स्टाम्प निकलती ही इन लक्ष्मी नारायण की है। शिव बाबा का ज्ञान तो वहाँ रहता नहीं, तो जरूर ऊँचे ते ऊँच लक्ष्मी नारायण की ही स्टाम्प लगती होगी। अभी भी भारत का वह स्टाम्प होना चाहिए। ऊँचे ते ऊँच है त्रिमूर्ति शिव, बहुत तो अविनाशी रहना चाहिए, क्योंकि भारत को अविनाशी राज गद्दी देते हैं। परमपिता परमात्मा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत है जो यह भूल जाते हैं कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यह माया भुला देती है। बाप को न जानने के कारण भारतवासी कितनी भूलें करते आए हैं। शिव बाबा क्या करते हैं यह किसको भी पता नहीं है। शिव जयंती का भी अर्थ नहीं समझते। यह नॉलेज सिवाय बाप के और कोई को नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम औरों पर भी रहम करो।
अपने ऊपर भी आपे ही रहम करो। टीचर पढ़ाते हैं यह भी रहम करते हैं ना, यह भी कहते हैं मैं टीचर हूँ तुमको पढ़ाता हूँ। वास्तव में इसका नाम पाठशाला भी नहीं कहेंगे, यह तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाकी तो सब है झूठे नाम, वह कोई सारे यूनिवर्स के लिए कॉलेज तो है नहीं, तो यूनिवर्सिटी है ही एक बाप की जो सारे विश्व की सदगति करते हैं। वास्तव में यूनिवर्सिटी यह एक ही है, इन द्वारा ही सब मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते हैं अर्थात शांति और सुख का प्राप्त करते हैं। यूनिवर्स तो यह हुआ ना, इसलिए बाबा कहते हैं डरो इसलिए बाबा कहते हैं डरो मत। यह तो समझाने की बात है, ऐसे भी होता है इमरजेंसी के टाइम में कोई किसकी सुनते भी नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य चलता है और किसी धर्म में शुरू से राजा ही नहीं चलती, वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, फिर जब लाखों की अंदाज में हो तब राजा ही कर सके। जहाँ यहाँ तो बाप राजा ही स्थापन कर रहे हैं यूनिवर्स के लिए। यह भी समझाने की बात है, दैवी राजधानी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है कृष्ण नारायण राम आदि के काले चित्र भी तुम हाथ में उठाओ फिर समझाओ कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं, सुंदर था फिर श्याम कैसे बनते हैं। भारत ही हेविन था अब हेल है, हेल अर्थात काला, हेविन अर्थात गोरा। राम राज्य को दिन, रावण राज्य को रात कहा जाता है, तो तुम समझा सकते हो देवताओं को काला क्यों बनाया है। बाप पेट समझाते हैं तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर, वह नहीं है, तुम तो यहाँ बैठे हो ना, यहाँ तुम हो ही संगम युग पर, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। भिकारी पतित मनुष्यों से तुम्हारा कोई कनेक्शन ही नहीं है। हाँ अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, इसलिए कर्म संबंधों से भी दिल लग जाती है। कर्मातीत बनना उसके लिए चाहिए याद की यात्रा। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमात्मा बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। ओहो बाबा हमको पढ़ाते हैं, वह उमंग कोई में रहता नहीं है, माया घड़ी घड़ी देह अभिमान में ला देती है। जबकि समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं तो वह कशिश वह खुशी होनी चाहिए ना, जिस सुई पर जरा भी जंक नहीं होगी वह चुंबक के आगे तुम रखेंगे तो फट से चटक जाएगी, थोड़ी भी कट होगी तो चटकेगी नहीं, कशिश नहीं होगी, जहाँ से नहीं होगी फिर उस तरफ से चुंबक खींचेगी। बच्चों में कशिश तब होगी जब याद की यात्रा पर होंगे, कट होगी तो खींच नहीं सकेंगे। हर एक समझ सकते हैं हमारी सुई बिल्कुल पवित्र हो जाएगी तो कशिश भी होगी, कशिश नहीं होती है क्योंकि कट चढ़ी हुई है। तुम बहुत याद में रहते हो तो विकर्म भस्म होते हैं। अच्छा फिर अगर कोई पाप करते तो वह 100 गुना दंड हो जाता है, कट चढ़ जाती है, याद नहीं कर सकते। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, याद भूलने से कट चढ़ जाती है तो वह कशिश लव नहीं रहता। कट उतरी हुई होगी तो लव होगा, खुशी भी रहेगी, चेहरा खुशनुमा रहेगा। तुमको भविष्य में ऐसा बनना है, सर्विस नहीं करते तो पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहते, बाप से बुद्धियोग भी तोड़ा देते हैं, जो कुछ चमक थी वह भी गुम हो जाती है। बाप से जरा भी लव नहीं रहता, लव उनका रहेगा जो अच्छी रीति बाप को याद करते रहेंगे। बाप को भी उनसे कशिश होगी। यह बच्चा सर्विस भी अच्छी करता है और योग में रहता है तो बाप का प्यार उन पर रहता है, अपने ऊपर ध्यान रखते हैं। हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ, अगर याद नहीं करेंगे तो कट कैसे उतरेगी। बाप कहते हैं चार्ट रखो तो कट उतर जाएगा, तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है तो कट उतरनी चाहिए, उतरती भी है फिर चढ़ती भी है, 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाप को याद नहीं करते हैं तो कुछ न कुछ पाप कर लेते हैं। बाप कहते हैं कट उतरने बिगर तुम मेरे पास आ नहीं सकेंगे, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी, मोचरा भी मिलता, पद भी भ्रष्ट हो जाता। बाकी बाप से वर्षा क्या मिला, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो और ही कट चढ़ जाए। पहले तो अपनी कट उतारने का ख्याल रखो, ख्याल नहीं करते हैं तो फिर बाप समझेंगे इनकी तकदीर में नहीं है, क्वालिफिकेशन चाहिए,
अच्छे कैरेक्टर्स चाहिए। लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर तो गाये हुए हैं, इस समय तो के मनुष्य उन्हों के आगे अपना कैरेक्टर वर्णन करते हैं। शिव बाबा को जानते ही नहीं, सदगति करने वाला तो वही है। सन्यासियों के पास जाते हैं, परंतु सर्व का सदगति दाता है ही एक। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, फिर तो नीचे ही उतरना है। बाप के सिवाय कोई पावन बना न सके। मनुष्य खड्डे के अंदर जाकर बैठते हैं, इससे तो गंगा में जाकर बैठे तो साफ हो जाए, क्योंकि पतित पावनी गंगा कहते हैं ना। मनुष्य शांति चाहते हैं तो वह जब घर जाएंगे तो पाठ पूरा होगा। हम आत्माओं का घर है ही निर्वाण धाम, यहाँ शांति कहाँ से आई। तपस्या करते हैं, वह भी कर्म करते हैं ना, करके शांत में बैठ जाएंगे। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं, वह सब है भक्ति मार्ग, पुरुषोत्तम संगमयुग एक ही है। जबकि बाप आते हैं, आत्मा स्वच्छ बन मुक्ति जीवन मुक्ति में चली जाती है। जो मेहनत करेंगे वह राज्य करेंगे, बाकी जो मेहनत नहीं करेंगे वह सजाएं खाएंगे। शुरू में साक्षात्कार कराया था सजाओं का, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार होगा, देखेंगे। हम श्रीमत पर ना चले तब यह हाल हुआ है। बच्चों को कल्याणकारी बनना है, बाप और रचना का परिचय देना है। जैसे सुई को मिट्टी के तेल में डालने से कट उतर जाती है, वैसे बाप की याद में रहने से भी कट उतरती है। नहीं तो वह कशिश, वह लव बाप में नहीं रहता है, लव सारा चला जाता है मित्र संबंधियों आदि में। मित्र संबंधियों के पास जाकर रहते हैं, कहाँ वह जंक खाया हुआ संग और कहाँ यह संग। जंक खाई हुई चीज के संग में उनको भी कट चढ़ जाएगी। कट उतारने के लिए ही बाप आते हैं, याद से ही पावन बनेंगे। आधा कल्प से बड़ी जोर से कट चढ़ी हुई है और बाप चुंबक कहते हैं मुझे याद करो। बुद्धि का योग जितना मेरे साथ होगा उतनी कट उतरेगी। नई दुनिया तो बननी ही है। सतयुग में पहले बहुत छोटा सा झाड़ होता है दैवी देवी देवताओं का, फिर बुद्धि को पाते हैं। यहाँ से ही तुम्हारे पास आकर पुरुषार्थ करते रहते हैं, ऊपर से कोई नहीं आते हैं, जैसे और धर्म वालों के ऊपर से आते हैं। यहाँ तुम्हारी राजधानी तैयार हो रही है, सारा मदार पढ़ाई पर है, बाप की श्रीमत पर चलने पर है। बुद्धि योग बाहर जाता रहता है तो भी कट लग जाती है। यहाँ आते हैं तो सब हिसाब किताब चुक्त कर जीते जी सब कुछ खत्म करके आते हैं। सन्यासी भी सन्यास करते हैं तो भी कितने समय तक सब याद आता रहता है। तुम बच्चे जानते हो, अभी हमको सत का संग मिलता है, हम अपने बाप की ही याद में रहते हैं। मित्र संबंधियों आदि को जानते तो है ना, गृहस्थ व्यवहार में रहते कर्म करते बाप को याद करते हैं। पवित्र बनना है, औरों को भी सिखाना है, फिर तकदीर में होगा तो चल पड़ेंगे। ब्राह्मण कुल का ही नहीं होगा तो देवता कुल में कैसे आएगा। बहुत सहज पॉइंट्स दी जाती है जो झट किसकी बुद्धि में बैठ जाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला चित्र भी क्लियर है। अब वह सावंटी तो है नहीं, दैवी सावंटी थी जिसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी तो पंचायती राज्य है, समझाने में कोई हर्जा नहीं है, परंतु कट निकली हुई हो तो कोई को तीर लगे। पहले कट निकालने की कोशिश करनी चाहिए, अपना कैरेक्टर देखना है। रात दिन हम क्या करते हैं, किचन में भी भोजन बनाते रोटी पकाते, जितना हो सके याद में रहो। घूमने जाते हो तो भी याद में। बाप सबकी अवस्था को तो जानते हैं ना, जरमई जगमई करते हैं तो फिर कट और ही चढ़ जाती है। परचिंतन की कोई बात नहीं सुनो। अच्छा मीठे मीठे शिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, ऐसे अपने आप पर और औरों पर भी रहम करना है। पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। सेकंड पॉइंट, आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई परचिंतन की बातें करके बाप से बुद्धि योग नहीं तुड़ाना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, याद में रहकर जंक उतारने हैं। वरदान है सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सबसे बड़े ते बड़ी दासी प्रकृति है,
जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं उनके ऑर्डर प्रमाण सब शक्तियाँ और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है अर्थात समय पर सहयोग देती है। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्प के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हो तो शक्तियाँ ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। इसलिए चेक करो कि पहली मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में हैं। स्लोगन है, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।